दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा जो मॉनिटर बिकते हैं ना वो बिकते हैं 21 टू 22 इंच स्क्रीन साइजेस में, जिनका प्राइस 10,000 रुपए के अंडर अंडर होता है। ये सबसे बेहतरीन मॉनिटर्स रहते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या आप लोगों को नॉर्मल गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, चार्टिंग वगैरह कोई भी काम करना है। मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाले जो मॉनिटर्स होते हैं, जो आप लोगों को ऑफिस में भी मिलेंगे, आप सर्विस सेंटर्स में जाओगे वहाँ पर भी मिलेंगे, और नॉर्मली इंसान घर पे भी यूज़ करता है, उन मॉनिटर्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों ये सारे के सारे मॉनिटर्स 10,000 रुपीज़ के अंदर है, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए इस लिस्ट में मॉनिटर मिल जाएगा। अगर गेमर हो, एडिटर हो, और आप लोगों को 10,000 रुपीज़ के अंदर अपने लिए एक सबसे बेहतरीन मॉनिटर चाहिए तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने काफी सारी रिसर्च करके आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं इंडिया में आने वाले टॉप 5 बेस्ट मॉनिटर्स। सो हे गाइस, दिस इज प्रशांत चौधरी, यू आर वाचिंग प्रोडक्ट बाजार, लेट्स टर्न टू द वीडियो। अब हमारी इस लिस्ट में भाई जो नंबर 5 पर मॉनिटर आता है ना, इसका नाम है एसर की तरफ से आने वाला ए ओपन मॉनिटर। ये बेसिकली 21.5 इंचेस के स्क्रीन साइज में आपको मिलता है, और इसमें फुल एचडी 1080p का रिजोल्यूशन आप लोगों को मिल जाता है। अब ये ना आप लोगों को टीएन पैनल के साथ में मिलता है, जिसमें 16.7 मिलियन कलर्स का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। विद दैट 60 हर्ट्ज की इसकी रिफ्रेश रेट होने वाली है, और 5 मिलीसेकंड का इसका रिस्पॉन्स टाइम होने वाला है। ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें आप लोगों को 200 निट्स की एक डिसेंट ब्राइटनेस मिल जाती है। 65 डिग्री वर्टिकल एंड 90 डिग्री होरिजन एंगल का आप लोगों को इसमें बेसिकली व्यूइंग एंगल मिल जाता है। एंड यही नहीं, इस मॉनिटर में आप लोगों को एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, एंड साथ साथ में फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। मतलब फ्लिकर वाला इशू आप लोगों के इस मॉनिटर में नहीं आएगा। अब ये ना एक बैकलिट एलईडी डिजाइन वाला मॉनिटर है, जिसको आप वॉल पे भी इजीली माउंट कर सकते हो। हाँ, हालांकि इसमें कोई स्पीकर्स जो है इनबिल्ट आप लोगों को नहीं मिलेंगे, और कनेक्टिविटी में आप लोगों को नॉर्मल कनेक्टिविटी ऑप्शन जैसे HDMI और VGA पोर्ट इसमें मिल जाएगा। अब अगर आप एक गेमर हो, या वीडियो एडिटिंग का आपको काम हो, या कलर्स से रिलेटेड कोई काम हो, तो ये मॉनिटर आप लोगों के लिए नहीं है। ये मॉनिटर स्टूडेंट्स के लिए या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होने वाला है। अगर ऑफिस वगैरह में आप लोगों के काम आने वाला है तो ये मॉनिटर आप कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इट कम्स विद 3 ईयर्स ऑफ वारंटी, एंड इसका प्राइस है आज की डेट में 9,900 रुपीज़ के आसपास। ये जो प्राइजेज है ना, ये थोड़े बहुत कम ज़्यादा टाइम पे होते रहते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए इन सभी मॉनिटर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके इनके प्राइसेस को चेकआउट भी कर सकते हैं, एंड इनको परचेज भी कर सकते हैं। अब जो नंबर 4 पे मॉनिटर आता है ना भाई, ये मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये है BenQ की तरफ से आने वाला 22 इंचेस मॉनिटर। अब मुझे पसंद क्यों है, क्योंकि मॉनिटर्स हम लोग खरीद लेते हैं, और जब काफी टाइम तक मॉनिटर यूज कर लेते हैं, तब हमें उसकी जो कमियां होती है वो समझ में आती है। जैसे मैंने खुद ने एक चीज एक्सपीरियंस करी है कि मॉनिटर्स पे जब आप काम करते हो और घंटे काम करते हो, तो आपकी आंखों में दर्द होने लग जाता है, मतलब आंखें दुखने लग जाती है। और BenQ के जितने भी मॉनिटर्स होते हैं ना, इनमें आप लोगों को आई केयर फीचर मिल जाता है, विच इज वेरी यूजफुल हमारी आंखों के लिए। तो उसी तरीके का ये मॉनिटर भी होने वाला है, 22 इंच स्क्रीन साइज में, फुल HD पे, 1080 पिक्सल के इसमें आप लोगों को रेजोल्यूशन मिल जाता है। मतलब काफी बढ़िया कलर्स आप लोगों को इस मॉनिटर में मिलेंगे। 16.7 मिलियन कलर्स के साथ में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 5 मिलीसेकंड ऑफ रेस्पॉन्स टाइम इस मॉनिटर में मिल जाता है। अच्छी बात एक और ये है कि इसमें आप लोगों को 215 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। मतलब ब्राइटनेस काफी ज्यादा सही जो है इस मॉनिटर की होने वाली है। बाकी इसमें ना आप लोगों को ब्राइटलेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, लो ब्लू लाइट फीचर भी मिल जाएगा। ये एक काफी बढ़िया दिखने वाला अल्ट्रा स्लिम बेजललेस डिजाइन का मॉनिटर है, और इसमें बेसिकली आप लोगों को 2 वॉट के टोटल साउंड आउटपुट भी मिल जाएगी, तो आप लोगों को बाहर से स्पीकर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसमें ना आप लोगों को 2 HDMI पोर्ट भी मिल जाते हैं, 1 VGA पोर्ट भी मिल जाता है, एंड 1 ऑडियो पोर्ट भी मिल जाएगा। ये मॉनिटर 3 साल की वारंटी के साथ में आता है, लगभग 9,500 रुपीज का आज की डेट में। अगर आप लोगों को एडिटिंग करनी हो तो ये मॉनिटर आप कंसिडर कर सकते हो। स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो ये मॉनिटर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है तो अगले वाला मॉनिटर आप लोगों के लिए ही है। बट हाँ, ये मॉनिटर भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, तो इसका भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट पे 3rd नंबर पे आने वाले मॉनिटर की, जिसका नाम होने वाला है एसर की तरफ से आने वाला
फ्रेमलेस मॉनिटर। गाइस ये एक 21.5 इंचेस के स्क्रीन साइज में आने वाला मॉनिटर है। फुल एचडी 1080p का रेजोल्यूशन इसमें आप लोगों को मिल जाता है एंड 1000:1 रेशो का इसमें अपने को अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेट भी मिल जाता है। अब ये ना एक आईपीएस पैनल में आने वाला मॉनिटर है 75 हर्ट्ज की काफी बढ़िया रिफ्रेश रेट के साथ में। सिर्फ 4 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम इस मॉनिटर में आप लोगों को मिलता है विद 250 nits ऑफ ब्राइटनेस। तो गेमिंग के लिए ये वाला मॉनिटर आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इस मॉनिटर में ना आप लोगों को आई केयर फीचर मिल जाता है, AMD फेसिंग टेक्नोलॉजी इसमें अवेलेबल है। इसी के साथ साथ में लो ब्लू लाइट फिल्टर भी आप लोगों को इसमें मिलेगा एंड कॉम्फी व्यू मिलेगा। इट मींस जब आप घंटों इस मॉनिटर को यूज करोगे तो आपकी आंखों के लिए ये लंबे टाइम तक के लिए काफी कंफर्टेबल रहने वाला है। फ्रेमलेस अल्ट्रा स्लिम 6.6 mm की इसकी काफी पतली जो है बॉडी है एंड दिखने में भी काफी ज्यादा बढ़िया ये मॉनिटर है। अच्छी बात यह है कि इसमें 4 वॉट का टोटल साउंड आउटपुट आप लोगों को मिल जाता है एंड HDMI पोर्ट, VGA पोर्ट और ऑडियो पोर्ट जैसे सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। वैसे तो ये मॉनिटर भी आप लोगों को 3 साल की वारंटी के साथ में मिलता है और इसका प्राइस लगभग 9,300 rupees है। प्राइस थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है बट ये मॉनिटर अगर आप गेमर हो ना आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो और अगर स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई आपका इस तरीके का काम है तो आप डेफिनेटली इनमें से किसी भी मॉनिटर को अपने लिए कंसिडर कर सकते हो। तो इसका भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकिन अभी 2 मॉनिटर और बचे हैं हमारी लिस्ट में, उनके बारे में भी जान लीजिए। और इसी के साथ में जो नंबर 2 पर हमारी लिस्ट में आता है भाई ये होने वाला है, मुझे काफ़ी पसंद है ये है भाई LG की तरफ से आने वाला 22 इंच मॉनिटर। ये भी बेसिकली एक IPS मॉनिटर है। सारे ही IPS मॉनिटर है, सिर्फ जो है नंबर 5 पे हमने लिया था वो TN पैनल में अवेलेबल है लेकिन ये LG का मॉनिटर है दोस्तों एंड LG काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मॉनिटर्स बनाता है डेफिनेटली। वही फुल HD 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन आप लोगों को इसमें मिलेगा, 16.7 मिलियन कलर्स के साथ में एंड 1000:1 रेशो का कॉन्ट्रास्ट रेट विद 75 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड इसमें अपने को मिलता है 5 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम। इन सभी चीजों के साथ साथ में दोस्तों इसमें आप लोगों को 250 nits की काफी बढ़िया ब्राइटनेस भी मिल जाती है, मतलब डिस्प्ले वाइज काफी बेहतरीन ये मॉनिटर होने वाला है। अब इसमें ना हमें काफी सारे फीचर मिल जाते हैं जैसे कि AMD फ्रीसिंग इसमें मिल जाएगा, आई कंफर्ट मोड भी इसमें अपने को मिल जाएगा, फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी के साथ में एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, स्प्लिट मोड एंड रीडर मोड भी इसमें अवेलेबल है एंड ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स के साथ में कलर वीकनेस मोड भी इसमें मिलता है जिससे क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं वो काफी ज्यादा एनहेंस हो जाते हैं एंड आप लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी बढ़िया हो जाता है। अब इसको आप वॉल पे माउंट भी कर सकते हो, इट इज एडजस्टेबल, इसको आप टिल्ट भी कर सकते हो। बेसिकली स्पीकर्स इसमें डेफिनेटली हमें नहीं मिलते बट कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शंस में अपने को मिल जाएंगे, HDMI पोर्ट, VGA पोर्ट, ऑडियो पोर्ट एंड एक DVI पोर्ट भी आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। अब अगर आप गेमर हो तो आप इस मॉनिटर को भी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, काफी बढ़िया रिफ्रेश रेट एंड ओवरऑल ये मॉनिटर होने वाला है विद AMD फ्रीसिंग। 3 साल की वारंटी के साथ में आज की डेट में लगभग 9,500 rupees का इसका प्राइस है। कुछ दिन पहले 9,000 था, कुछ दिन बाद में हो सकता है 200-300 rupees और बढ़ जाए, प्राइस में फ्लक्चुएट। तो उसके लिए मैं लिंक इन सभी मॉनिटर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाले नंबर 1 मॉनिटर की और इसका नाम है भाई HP की तरफ से आने वाला M22F मॉनिटर। अब गाइस ये मॉनिटर मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ लेकिन जो मेरे पास है वो 24 इंच स्क्रीन साइज में है। अब इसमें ना बहुत सारी खास बात है भाई, बेसिकली आप लोगों को वही 21.5 इंच स्क्रीन साइज में मिलेगा, फुल HD 1080 पिक्सल के साथ में आप लोगों को IPS पैनल इस मॉनिटर में मिल जाता है एंड इसमें आप लोगों को मिलता है 99% sRGB रेशो। मतलब अगर आप लोगों को वीडियो एडिटिंग करनी है, कलर ग्रेडिंग करनी है, फोटोज वगैरह एडिट करना है तो ये मॉनिटर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहने वाला है अंडर दिस प्राइस रेंज। अच्छा, इसी के साथ में 1000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो आप लोगों को मिल जाता है, 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में 5 मिलीसेकंड ऑफ रेस्पॉन्स टाइम इस मॉनिटर में अवेलेबल है एंड 300 nits की आपको उसमें ब्राइटनेस मिलती है। मतलब ओवरऑल काफी बढ़िया कॉम्बो यहाँ पर HP आप लोगों को दे रहा है इस मॉनिटर में। काफी स्लिम ये मॉनिटर है एंड 3 साइड जो है इसका माइक्रो एज डिजाइन आप लोगों को मिलेगा, दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगेगा एंड एडजस्टेबल स्टैंड आप लोगों को इसके साथ में मिल जाता है। स्पीकर्स इसके साथ में भी नहीं है हाँ, लेकिन कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शंस में आप लोगों को मिल जाएंगे एंड ये ना ऐसा मॉनिटर है कि अगर आप गेमर हो तो भी आप इसको जो है डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, आपको
कलर्स भी अच्छे मिलेंगे एंड इस मॉनिटर में आप लोगों की गेमिंग भी बढ़िया होगी। वीडियो एडिटिंग के लिए भी बहुत कमाल का ये मॉनिटर होने वाला है। मैं पर्सनली इसको पहले वीडियो एडिटिंग के लिए ही यूज करता था एंड बाकी वर्किंग प्रोफेशनल्स हो आप या स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली इस मॉनिटर में कोई भी इशू आप लोगों को नहीं आएगा। इवन अब इन पांचों मॉनिटर्स में से ना आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी मॉनिटर कंसिडर कर सकते हैं। सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वैसे जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी आप लोगों को काफी सारे मॉनिटर्स मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन मैं पर्सनली उन मॉनिटर्स को आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज दीज आर द टॉप 5 बेस्ट मॉनिटर्स अंडर 10,000 रुपीज एज ऑफ नाउ। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आप लोगों के चैनल पे आती रहती है। मिलते हैं इस तरीके से वीडियो में। धन्यवाद।